फिरोज़ भाई तो मेरे अंदाज़े में निकल गए हैं और अब देखना पड़ेगा। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का टाइम है और 8:00 हुए हैं और अम्मी आई थी मेरे रूम में अभी और मुझे कह रही हैं कि जाओ तंदूर में जाओ और नान लेके आओ। घर में आटा तो है लेकिन घी ख़त्म हुआ था। अभी सुबह सुबह दुकान पे जाने से अच्छा है कि होटल पे ही पता चला जाए, वहाँ से ही नान लेके आ जाए। और अभी मैं जा रहा हूँ होटल में। सिचुएशन कुछ इस तरह है कि अभी बस सुस्ती मेरी ख़त्म हुई है। मैं उठा था 6:30 उठा था, नमाज़ पढ़ी है फजर की। फजर की नमाज़ पढ़ के फिर जो सा व्लॉग को अपलोड किया है, उसके बाद फिर काफ़ी सारा यूट्यूब में चीज़ें सर्च की हैं। सर्च करने के बाद अभी जा ही रहा था तो आ गई ऊपर से कहती हैं कि नान लेके आओ। अभी मैं जा रहा हूँ नान लेने के लिए। मौसम काफ़ी सारी ठंडक है, ये देखें ना, स्मोक आपको नज़र आ रही होगी शायद या नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन मुझे तो नज़र आ रही है रियल में। मौसम कुछ इस तरह का है, धुंध पड़ी है और ठंडक काफ़ी सारी है। नान मैंने ले लिए हैं जी, एक पराठा और 5 नान। सो गाइस, अभी मैं छत पे आ गया हूँ और ये बच्चे सुबह सुबह मुझे सोने नहीं देते हैं। मेरे रूम के छत पे ये आ जाते हैं और जहाँ पे मेरा रूम है, और इतना तंग करते हैं। अभी ये बैठे हैं, ये कोई मेरे लगता है कबूतर जो से इनके छत पे आगे पीछे जा रहा है और उसको ये उड़ा रहे हैं। इनके हालात ही कोई ख़राब हैं। ये सुबह मेरे से ये वाला मार खाने लगा था, ये जो सा आ रहा है अब। कुत्ता तो सुबह बच गया मेरे से, तेरी शामत ऐसी मैं करता ना। सुबह सुबह क्यों तंग करते हो? चलो मूवी बनाते हैं, वीडियो बनाना है। इसकी वीडियो तो बन रही है, तू क्यों मस्ती कर रहा था? था। चल फेंक इसको। गाइस ये चेक करें, हो गया, वो तो बैठ ही गया है, तो उसके पैर ही आपने काटे हैं। हाँ एक वो ऊपर खड़ा है, वो देखें। दरअसल यहाँ से सूरज की रोशनी की वजह से आपको सही नज़र नहीं आ रही, कवरेज तो मैं कर रहा हूँ। बहुत शोर करते हैं, संडे का दिन है वैसे भी ये बहुत शोर करते हैं। सुबह सुबह क्या नाम है आ जाते हैं छत पे और बहुत तंग करते हैं। गाइस मैं अभी आया हूँ सिस्टर के घर और इस्लामाबाद जा रहे हैं, वहाँ पे कन्वेंशन सेंटर में सुल्तान बाहू उनके साहबजादे आए हैं और मैं उनके घर आया हूँ और उनकी अभी तक तैयारी नहीं बनी। मेरा भी कोई पता नहीं है जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। यहाँ पे सुफियान जो है वो मैच देख रहा है और हम इधर अभी तक इंतज़ार में खड़े हैं। क्यों जी, कौन आ रहा है? सुल्तान बहुत सरकार ने सुल्तान मोहम्मद अली साई और सुल्तान अहमद अली साई। हाँ जी, अभी तक ये यहाँ पे बैठे हैं कन्वेंशन सेंटर में। उनका जो है 22 तारीख रोज़ इतवार को बहुत बड़ी महफिल थी, बहुत प्यारी महफिल थी, बड़ी महफिल थी, बहुत प्यारी महफिल थी, बड़ी भी होगी महफिल तो काफ़ी सारी बड़ी है, बहुत बड़ी महफिल। खाना हमारा आ गया जी, ये मुर्गी बनी है और साथ ही नान, क्योंकि खाना खा के जाएंगे, वहाँ का कोई पता नहीं है, लंगर शंगर कुछ भी नहीं है। मैं नमाज पढ़ने चला गया था और गाड़ी हमारी वो खड़ी है, अभी बैठते हैं उसमें। ये गाड़ी है जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी राशि जी, बंद है जी, नहीं बंद। हेलो जी, ये अभी हम जाने जा रहे हैं जी कन्वेंशन सेंटर। We'll be right back.
ये एंट्रेंस का जो सा रास्ता भी पीर साहब आए नहीं है, और ये वेलकम के लिए उनके जो से मुरीद जो से हैं वो खड़े हैं। ये कन्वेंशन सेंटर का बाहर का जो सा एरिया है वहाँ पे। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई आए हैं और मामू साहब आए हैं, और दूसरे कज़न भी दो हैं वो भी उसी साइड पे हैं। और ये कन्वेंशन सेंटर के जो सा बाहर का एरिया है उस जगह पे हम मौजूद हैं। कन्वेंशन सेंटर है उसके अंदर जा रहे हैं। वो फिरोज भाई बैठे हैं नीचे, और साथ ही जफर भाई भी बैठे हैं। वो सामने आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले बेंच पे, और दूसरी साइड पे सेकंड वाले बेंच पे सुल्तान अल-फखर सरपरस्त आला इस्लाही जमात सरवर सो गाइस, ये मैं अभी कन्वेंशन सेंटर के अंदर हूँ। ये हॉल है और ये सेंटर के अंदर मैं मौजूद हूँ इस टाइम। और मैं आया था, फिरोज़ भाई को देखा था मैंने, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। वो भी नहीं पता किधर गए हैं फिरोज़ भाई। ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर क्या जो सा सीन है, ये सारा कुछ अंदर है। देखता हूँ फिरोज़ भाई को। फिरोज़ भाई तो मेरे अंदाज़े में निकल गए हैं, और अब देखना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। वैसे वो निकल गए मेरे अंदाज़े में फिरोज़ भाई। मुश्किल नहीं मिले, मैंने काफ़ी सारा ढूंढा है, फिरोज़ भाई नहीं मिले हैं, वो चले गए हैं। अभी घर की तरफ जा रहे हैं, रश थोड़ी सी कम हुई है और अभी घर की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी खड़ी है जी हमारी। फिरोज़ भाई नहीं मिले हो, चलो कोई बात नहीं, एक ना एक दिन हम भी फेमस हो जाएंगे, हम भी मिलेंगे लोगों से, लोग हमसे मिलेंगे। कन्वेंशन सेंटर बाय बाय, हम जा रहे हैं अपने घर।
ये रास्ते में हम ले रहे हैं जी कोई खाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम वहाँ पे बैठ बैठ के आप चेक करा रहे हैं क्या चीज़ है। डे ड्रीम मज़े की है। प्राइस क्या है इसकी? सो गाइस ये हमने ले लिया डे ड्रीम 50 की है ये, ओ 150 की है। हम घर पहुंच गए हैं और ये मूवीज देख रहे हैं। किधर है चार्ट? मूवी मूवीज नहीं मूवी। क्या खा रहे हो? अच्छा जी मूवी भी देखो साथ। सो गाइस आज का दिन बहुत ही ज़बरदस्त गुजरा और बहुत ही मज़े का गुजरा। हमने महफिल भी सुनी और एक चीज़ में मुझे बहुत दुख हो रहा है कि फिरोज़ भाई से भी नहीं मिल सका और ज़फ़र भाई से भी नहीं मिल सका। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उन दोनों से मिलूं, लेकिन जब मैं गया हूँ कन्वेंशन सेंटर के ग्राउंड में गया हूँ जब, उस टाइम वो चले गए थे। तो कोई बात नहीं, मिल लेंगे इंशाल्लाह, अच्छे तरीके से मिलेंगे। अभी करते हैं इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं कल न्यू व्लॉग के साथ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके खुदा हाफिज़।